इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की बड़ी खबर, पेगासस जासूसी केस में बीजेपी ने अब आक्रामक रुख अख्तियार किया है। दिल्ली में संसद के अंदर और बाहर जोरदार जवाब देने के बाद अब बीजेपी के मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अब से थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर हमला बोला। अब 3 बजे महाराष्ट्र के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस और 4 बजे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आपको दिखाते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर आज जोरदार हमला बोला। विपक्ष के कुत्सित मनसा को उजागर करता है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। कांग्रेस सरकार अपने समय में जिस प्रकार की हरकतें करती रही हैं, आज विपक्ष में रहकर के भी अपने उन्हीं मंसूबों के अनुरूप आगे बढ़ रही है। दुर्भाग्य से जब एक साहसिक निर्णय देश के संसद सत्र को लेकर के किया जाता है और संसद सत्र प्रारंभ होने के ठीक एक दिन पहले इस प्रकार की एक सनसनीखेज चीजों को परोस करके समाज में एक विषाक्त वातावरण पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, राजनीति के घटते हुए गिरते हुए स्तर को यह प्रदर्शित करता है। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है और उन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का शिकार जाने अनजाने में हो रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत को किसी न किसी रूप में अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।